लोकसभा के पहले चरण में दिल्ली के नज़दीक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें कई बहुत सारी महत्वपूर्ण सीटें हैं, जिसमें केंद्र सरकार के मंत्री लड़ रहे हैं। गाज़ियाबाद सीट है आपकी, गौतम बुद्ध नगर सीट है। सबसे पहले हम गौतम बुद्ध नगर को ले रहे हैं, जो दिल्ली के सबसे नज़दीक है, एनसीआर में आता है। और गौतम बुद्ध नगर बहुत ही चर्चा में है कि यहाँ इस बार कौन जीतेगा। जैसा कि ये आंकड़े बताते हैं, पिछले 2009 में गौतम बुद्ध नगर सीट जनरल सीट हुई थी परसीमन के बाद में, उसमें पहली बार सुरेंद्र नागर बसपा के प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए थे और उन्होंने जीत हासिल की थी। दूसरी बार 2014 में मोदी लहर में डॉक्टर महेश शर्मा विजयी रहे, और जिसमें आपका बीजेपी को 5,99,000 वोट मिले, जबकि एसपी बीएसपी गठबंधन के लिए 5,70,000 वोट मिले, 1,27,000 वोट कांग्रेस ने भी लिए, जबकि उनका कैंडिडेट कांग्रेस का बैठ गया था। इस बार 2009 में ये आंकड़े जो गठबंधन के कैंडिडेट श्री सतवीर नागर जी हैं उनके फेवर में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर वोटों का आंकड़ा देखा जाए, पुराने वोटों का, तो यहाँ 5,55,000 वोट एसपी और बीएसपी के गठबंधन ने 2017 के असेंबली इलेक्शन में प्राप्त किए थे, जो बीजेपी के 5,99,000 से थोड़े से कम थे। तो 2017 में सपा बसपा का वोट बड़ा था, 5,70,000 से 5,55,000 हो गया, और जिसमें कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं था। तो कांग्रेस के उम्मीदवार को अगर जोड़ दें, जिस तरह से 1,27,000 वोट कांग्रेस के उम्मीदवार को 2014 में मिले थे, अगर उन वोट को माइनस कर दें इसमें से, कांग्रेस के बीजेपी के वोट में से, तो इनका 4,99,000 वोट बचता है, 4,99,000 से भी कम बचेगा। तो इसलिए ये उम्मीद की जा रही है कि जो इस बार 2019 में जो इलेक्शन हो रहा है, उसमें अरविंद सिंह राजपूत समाज से हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं कांग्रेस से, और मजबूती से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि कम से कम वो अगर हारते भी हैं तो 1,50,000 वोट से कम नहीं लेंगे, और 1,50,000 वोट अगर ये जो माइनस होगा वो सीधा भाजपा के वोट बैंक से माइनस होगा। इस तरह से वोटों का अगर विश्लेषण देखा जाए वर्तमान में, क्योंकि इसमें मैं पिछले वोट से बढ़ भी गया है, क्योंकि लगभग 21-22 लाख के करीब यहाँ पर इस समय मतदाता हैं, और अगर उसमें से जाति समीकरण को देखा जाए तो सतवीर नागर जी गुर्जर समाज से हैं, और गुर्जर समाज का यहाँ पर जो वोट है
वो लगभग 3.5 लाख है। जो शेड्यूल कास्ट का वोट है जिसमें प्रमुख जाटव समाज इसमें भूमिका निभाता है, जो बहन मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका बेस वोट है, और गौतम बुद्ध नगर उनका गृह जिला भी है, और उनके सिंबल से ही गठबंधन का कैंडिडेट यहाँ पे श्रीनगर लड़ रहे हैं। तो 3.5 लाख वोट जो उनका है वो भी नागर जी के फेवर में जा रहा है। उसके साथ साथ जो सपा का वोट है जिसमें यादव समाज का वोट है, मुस्लिम वोट है, और दूसरे समाजवादी जो वोट हैं, रालोद का वोट है जो जाट समाज के, इसमें कई कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाट समाज के लोग काफ़ी हैं, करीब 50,000 और 30,000 के बीच में होंगे। यादव समाज के वोट भी लगभग इतने ही होंगे, ये वोट भी उसी के फेवर में जा रहे हैं। लेकिन अगर हम मुस्लिम समाज का और एससी समाज का और गुर्जर समाज का ये अगर वोट जोड़ते हैं तो ये 10.5 लाख वोट होता है, और अगर हम राजपूत समाज का ब्राह्मण समाज का वोट जोड़ते हैं तो ये दोनों 7 लाख के करीब होता है। तो 7 लाख में से अगर 1 लाख वोट, मतलब अगर ये कांग्रेस का 1.5 लाख ले जाता है, तो जो महेश शर्मा जी उसके कैंडिडेट हैं बीजेपी के, उनको 5 लाख के करीब वोट बचता है उनके पास में। लेकिन 5 लाख वोट बचने के बाद भी, क्योंकि उनके फेवर में जो गणित है बहुत ज़्यादा है सतवीर नागर जी के, तो थोड़ा इनके लिए जीत मुश्किल होगी, भाजपा के कैंडिडेट के लिए जीत मुश्किल होगी। और ऐसा लगता है कि 1 लाख, लगभग 1 लाख के, कम से कम 1 लाख के अंतर से गठबंधन का कैंडिडेट जीत सकता है। तो ऐसा ये गौतम बुद्ध नगर में जो 5 विधानसभाएं हैं ये बहुजन समाज पार्टी जीत चुकी है। सिकंदराबाद है, जेवर है, दादरी है, खुर्जा है और नोएडा है। ये 5 सीटें मतलब 2007 में बहुजन समाज पार्टी जीत चुकी है, और सुरेंद्र नागर 2009 में यहाँ लोकसभा का इलेक्शन जीत चुके हैं। और पिछली बार ये बता रहे थे, लोगों का जो सर्वे है बहुत सारे अखबारों ने भी दिया है और वहाँ का जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो भी यही कहती है कि पिछली बार जो गुर्जर समाज के लोग थे जिनका सजाती कैंडिडेट इस बार गठबंधन से लड़ रहा है, उनका वोट जो है मोदी जी की लहर में मोदी जी को गया था, तो वो वोट सीधा इस बार उनको नहीं मिलने जा रहा है। तो इस तरह से अगर हम पूरा ओवरऑल 5 विधानसभाओं का आकलन करें तो खुर्जा से भी इनकी बढ़त हो रही है, जेवर से भी गठबंधन की बढ़त हो रही है, सिकंदराबाद विधानसभा से बहुत ज़्यादा बढ़त हो रही है गठबंधन की, दादरी विधानसभा से भी बढ़त हो रही है, लेकिन नोएडा जो शहरी विधानसभा है उसमें बीजेपी या तो बराबर पर है या थोड़ा बहुत वहाँ पर आगे भी जा सकती है। इसलिए अगर 5 विधानसभाओं को ओवरऑल हम गठ लगाएं तो ये जो गठबंधन का कैंडिडेट है वो जीत रहा है। कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बताता है, मतदाताओं की ग्रैंड रिपोर्ट भी बताती है, और ये जो भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं उनकी भाषा भी बताती है। ये हम गौतम बुद्ध नगर सीट का विश्लेषण कर रहे थे और आशा है ये परिणाम आपको असली जानकारी 23 मई को होगी जब इसके वोट खुलेंगे। जय हिंद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।